दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये SRP की पावर सप्लाई हम एक रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक चिप लगा हुआ है, इस तरह का एक PCB लगा हुआ है। इस पर ड्राइवर IC है, पावर ड्राइवर। इसका नंबर है L6599D। और ये PCB लगाने का मकसद यही रहता है कि कंपनी क्या करती है कि ऐसे PCB इसमें प्रॉब्लम आया तो सीधा PCB चेंज कर देती है, लेकिन ये बाहर मिलना बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं पाता है, तो हम लोगों को यही रिपेयर करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग। हम लोग चिप लेवल रिपेयरिंग करते हैं। एक तो रिपेयरिंग होती है, जैसे पावर सप्लाई ख़राब हो गई SRP की, आपने नई पावर सप्लाई डाल दी, ये काम तो कोई भी कर सकता है, डाल सकता है, लेकिन हम पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं। आपको भी ये सीखना है तो आप ये सीख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं, बहुत लोग करते हैं रिपेयरिंग, तो ये रिपेयरिंग करना आसान नहीं होता है। इसको देखिए, हमने निकाला और इतनी वायरिंग करने के बाद में इसको पूरी वायरिंग की और बाहर रख के रिपेयर किया मैंने इसको। तो बाहर इसमें क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक यहाँ पे MOSFET यूज किया हुआ है छोटा, तो इसे सप्लाई को कम करके यहाँ पे एक रेगुलेटर यूज किया है। वो रेगुलेटर है, कितने वोल्टेज का है देख लेते हैं एक बार, दिखाई दे तो नंबर इतने आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से नंबर निकालना पड़ता है। आपको ऐसा नंबर नहीं दिखे तो एक काम कर सकते हैं, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं बहुत बार बताया भी हूँ। ये हीटसिंक पेस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर लगा दें, तो हीटसिंक पेस्ट लगाने से क्या होता है, जो स्लॉट रहता है उसमें ये हीटसिंक पेस्ट चला जाता है और नंबर दिखने लगता है। और थोड़ा सा हाथ घुमा दें, अब देखते हैं दिखाई दे रहा है क्या, शायद ये लैंप में दिखाई दिख जाए क्लियर। कोशिश करते हैं लैंप में देखने की। दोस्तों ये रेगुलेटर नहीं है, D880 एक ट्रांजिस्टर है, रेगुलेशन के लिए यूज किया है, लेकिन D880 ट्रांजिस्टर है। ये अक्सर यूज होता है, रेगुलेटर के लिए यूज होता है। और देखिए, मैंने इसको ऐसे वायरिंग से यूज कनेक्ट कर लिया और बाद में देखा मैंने तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिसिंग था और इसकी IC शॉर्ट थी, तो IC हमने डाल दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो है, हमने ये वैल्यू नहीं पता था मुझे, और ऐसा कोई पावर सप्लाई मेरे पास नहीं था, तो मैंने हेल्प लिया जिसके पास ये पावर सप्लाई रिपेयर के लिए आई थी, महाराष्ट्र से आई है, सोलापुर से। तो भाई ने कोऑपरेट किया, दूसरी पावर सप्लाई देख के उन्होंने वैल्यू बताया। यहाँ जो वैल्यू लगा है 6.2 के दो रेजिस्टेंस लगे हैं, 6.622 दो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो हम लगाएंगे वो रेजिस्टेंस। लेकिन अभी हमारी पावर सप्लाई चालू हो गई, हमने 3.3 के का एक रेजिस्टेंस लगाया है। जब 6.2 के दो रेजिस्टेंस लगेंगे पैरेलल में, तो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस अभी लगाना है, लेकिन ऑन हो गया अभी तक, हमने उसको ये PCB को अंदर नहीं लगाया है। PCB को अंदर इसलिए नहीं लगाया है कि वो रेजिस्टेंस डालने के बाद में इसको चेक करके बाद में फाइनली हम इसको PCB को अंदर डाल के फिट करेंगे, इसलिए खुला रखा है और आपको बताने के लिए भी रखा है। इसमें MOSFET जो यूज किए हैं, देखिए 15N65 यूज किए हैं और ये दोनों मेटल हैं, तो इसके लिए इसको पैकिंग लगाना ज़रूरी होता है। ये 20N60 यूज किया है PFC के लिए और ये डायोड है। उसके बाद सेकेंडरी में दो डायोड ये यूज किए हैं। इसमें एक और वीडियो मैंने छोटा सा डाला था, इसमें देखिए दो डायोड यूज किए हुए हैं, ब्रिज डायोड। एक तो ये देखिए AC to DC सप्लाई के लिए यूज किया है और एक यहाँ पे डायोड यूज किया है, सिंगल डायोड के लिए यूज किया है। उसका खाली साइड के दो पॉइंट यूज किए हैं, वो ब्रिज का काम नहीं कर रहा है, खाली डायोड का ही काम कर रहा है। तो कंपनी का भी कोई डिज़ाइन के हिसाब से अपने यूज करती है। इसमें देखिए एक और चिप यहाँ लगा हुआ है, ये PFC IC का चिप है। अगर PFC सेक्शन में प्रॉब्लम आएगा तो हमें ये चिप निकाल के, इसमें तो ज़्यादा पिंस नहीं है, तो भी देखिए कितने पिंस है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पिन इसमें भी है। तो अगर ये PCB में प्रॉब्लम आया, देखिए ज़्यादा करके प्रॉब्लम होता है, और रिपेयरिंग SMD है इसलिए दो PCB लगा दिए हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो सीधा डायोड चेंज करके कंपनी इसको ऑन कर सकती है। लेकिन ये चिप हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, हमें उसको निकाल के रिपेयर ही करना है। इसमें IC कौन सी लगी है, साइड से तो कुछ दिख नहीं रहा है, जब प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसको निकाल के और बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जरूरत निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, बहुत आराम से पेशेंस के साथ में इसको डिसोल्व कीजिए आप, और डिसोल्व करके निकालिए, सब होल्स को क्लियर कीजिए, नहीं तो आप जल्दबाजी में अगर जाएंगे निकालने तो आपकी PCB भी ख़राब हो सकती है, आपके पावर सप्लाई के ट्रैक भी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत आराम से ये काम करना पड़ता है इसका। तो इसको हम अभी ये PCB निकाल के क्लियर करके इसको डालेंगे, करेंगे,
और आपको सीखना है तो ऑफलाइन का तो इस बार फुल हो चुका है, ऑनलाइन का है 25 अगस्त से है। 15 था 25 किया मैंने, क्योंकि अभी तक वेबसाइट तैयार नहीं, वेब डिज़ाइन के लिए दिया है वो डिज़ाइन नहीं हो पाया है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 25 अगस्त से वो रहेगा, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, या आप नज़दीक से हैं तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए। एक बैच हम पूरा करके और 3 महीने का रहेगा वो, जो इंदौर से आसपास हैं वो ही आ सकते हैं इसमें। दूर वालों के लिए 3 महीना बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 9324774742। हमारे एक सप्लाई के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, टिप्स भी हम छोटे से इसमें देते हैं, तो आप उसको भी फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।